है ना, इनमें डायरेक्ट जनाब लेस सोडा एस डालते थे। वहाँ ड्रमों, बड़े बड़े ड्रम होते थे, वहाँ खुद ब खुद सफाई का सिस्टम हो जाता था। क्योंकि क्रिएट करना कुदरत का, कायनात का कमाल है। इस एटम को तोड़ना जोड़ना ये कुदरत की मेहरबानी है। ये सारे अनस्टेबल हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जनाब अली सोडियम है, ठीक है, सब अनस्टेबल। इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। ये टूटते हैं फटते हैं, टूटते हैं फटते हैं। यहाँ मालिक्यूल न्यूक्लियस होता है एटम के स्ट्रक्चर में, वो उनको अट्रैक्शन फोर्स है, सबको जोड़ के रख देता है। चोट की वजह से टूट गया, भागेगा, फिर कहीं दूसरी जगह जुड़ेगा। टूटने जुड़ने जिग-जैग से हमारे ये कपड़े साफ होते, फर्श साफ होते, लेदर साफ होता है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री की टोटल कपड़े की जो सफाई है वो यहाँ होती है। मट्टी साफ होती है, हवा साफ होती है, सिस्टम ये है, कुदरत ने दिया है। आइए पहले वाले उसमें मैंने कहा था भाई इसको मिक्स करते हैं, यार यार एडिटिंग नहीं आती तो बंद हो गया। तो मैंने चाहा यार इसका दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट दोस्तों को दिखाता हूँ। मफहूम यही है कि हम कारोबार कर रहे हैं, इस कारोबार को कैसे तरक्की दें, इस कारोबार से कैसे कमाएं, वाशिंग पाउडर से दो पैसे कैसे हम अपने जेब में लेके जाएं। बड़ा आसान है दोस्तों, इन कारोबार से, इन केमिकल से इश्क करो, दोस्ती करो। ये रिएक्शन क्या करते हैं, ये इनके फायदे क्या है, इनके नुकसान क्या है। ये जनाब अली आपका एक्सलिक एसिड ज़्यादा चला गया, आपका रंग उड़ जाएगा, आपके कपड़े का रंग उड़ेगा। साल्ट ज़्यादा 70-80% डालोगे सफाई नहीं करेगा। अगर जनाब अली सोप स्टोन डालोगे तो कपड़े का रंग तबाह करेगा, कपड़े की लाइफ तबाह करेगा। ये सब के एक्शन भी है, कुछ रिएक्शन भी, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसानात कम है, फायदे ज्यादा है। ये कुदरत ने आपके लिए जमीनों में छुपा के रखे हैं। कारोबार है, उठो, जिंदगी पढ़िए, जिंदगी को एंजॉय करो। 2.5 करोड़ की फैक्ट्री बंद है, ठीक है। कुदरत अल्लाह मियां से मैंने मांगी थी फैक्ट्री, मैट्रिक का स्टूडेंट था, पांव में चप्पल नहीं होती थी। कम से कम 12 किलोमीटर 7 किलोमीटर रोजाना मैट्रिक का स्टूडेंट 10 साल गांव से वो शहर आता था पढ़ने। उस वक्त तक भी वो मैं यही सोचती फैक्ट्री लाने दी, चली चलाया, मगर वो कहते कि नमक डालो, मैं नमक नहीं डाल सकता, मैं मार्केट का आदमी नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी, मैं रिसर्च करने वाला एक जुनूनी बंदा हूँ। पैसे से प्यार नहीं है, इश्क है रिसर्च से। किसी का बच्चा सीख जाए, मेरा बच्चा सीख जाए, सीख के फिर कारोबार करें। आज के टॉपिक पे आते हैं, सोडा एश तकरीबन 200 ग्राम था, सल्फिनिक एसिड 40-50 ग्राम पड़ी हुई थी, ठीक है। हम इसको मिक्स करते हैं, देखिए क्या रंग खिलाता है, ठीक है ना। कोई फ़ायदा नहीं है, रिएक्ट करना देखते हैं। ये गर्म भी होगा, वो तो आप मुशाहिदा करेंगे इसकी क्या शिकल बनती है। पहले देख लो इत्मीनान से, देखो मैं फिर दिखाता हूँ। ये ना जो है इत्तहाद की सल्फिनिक एसिड है, बिल्कुल बेहतरीन शहद की तरह, ठीक है। और ये है ICI कंपनी का सोडा एश, बेहतरीन कंपनियों के ये केमिकल होंगे ना, तकरीबन 1.5 साल हुआ है इन केमिकलों को। न इन्होंने रंग चेंज किया है, न उनकी खासियत चेंज हुई, न फंक्शन में कोई कमी आई। 96% इसमें एक्टिव मैटर है, इसमें ना बेहतरीन काम करता है। आज भी अच्छी कंपनी के केमिकल पे बेहतरीन वाशिंग पाउडर बनाओ, ताकि औरत खुश हो जाए। आपका ख़रीदार औरत है। इंडिया और पाकिस्तान में 1 अरब औरत रोज़ाना आपका वाशिंग पाउडर खोलती है, मेरा हो या आपका वाशिंग पाउडर हो। 40 साल का तजर्बा है कपड़े धोने का, जो शादीशुदा औरत है उसको हम हरा नहीं सकते। हरा ऐसे सकते हैं कि बेहतरीन पाउडर उसको बना के दें, बेहतरीन चीज़ बना के दें, उनके कपड़े साफ हो जाए, कपड़े उसके तबाह ना हो, उसका कलर तबाह ना हो सोप स्टोन से, उनके पैकेट में महक आ जाए, ठीक है ना। काम कर रही है, थकी हुई है,
यही है कि यार इसको पैकेट को खोले तो खुशबू आ जाए, एक अच्छा एक ना एहसास हो, ताकि वो आपका पाउडर फिर खरीदे फिर खरीदे फिर खरीदे। शर्त यह है कि आपका पाउडर में बेहतरीन चीज़ें वो हो जो उनके कपड़े साफ हो, इनका कपड़ा भी नहीं जले, इनके रंग भी नहीं उड़े, दाना दाना अलग हो, तो यार आप कमाओगे ऐसा कमाओ। एक्सेल भी तो सेल हो रहा है ना, एरे भी तो सेल हो रहा है ना। आइए खेलने की बारी आ गई। सोडा एश और जनाब ये गर्म होना शुरू हो गया। सोडा एश है इसमें, सल्फिनिक एसिड है इसमें। खेलते हैं कि ये क्या रंग खिलाती है, क्या रिएक्शन करती है। अब इसको आराम से वाच करते जाओ। पूरा हाथ में ग्लोव चढ़े हुए हैं, शदीद गर्म है। ये जोड़े बनाएंगे, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मेरे मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मुझे आप 5-6 मिनट दे रहे हो तो उसकी कीमत भी आपको मिल जाए, ठीक है ना। ये हम वाशिंग पाउडर में इनको जोड़ते हैं, इस वाशिंग पाउडर में सबको जोड़ते हैं, बेस को एक्सिड को जोड़ते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेल को कंप्लीट करते हैं, आयनाइज्ड करते हैं। जितने ज़्यादा स्ट्रांग एक्सिड होगा, स्ट्रांग बेस होगा, उसमें इतना ज़्यादा एक्टिव इलेक्ट्रॉन होंगे, वो शेल कंप्लीट करते जाएंगे और ये जोड़े बनते जाएंगे 100%। जिनमें नमक होगा वो नमक क्या जोड़े बनाएगा, उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वो सबके जो कम इलेक्ट्रॉन है वो पूरा करते जाएंगे 100%। ये सेट हो जाएगा, जब पानी में जाएगा तो फिर फटना शुरू करेगा, पानी में फटेगा। जितना या ज़्यादा मजबूत ना, एक एक सिपाही अलग अलग मजबूत होगा, जुड़ेगा सारे मिलके, एक मोर्चा बना के बैठेंगे, जब पानी जाएगा तो फिर टकराएंगे, एक एक चीज़ फटेगी, फटेगी तो आपके कपड़े साफ होंगे, फर्श साफ होंगे, धरती साफ होगा, आसमान साफ होगा। ये कुदरत का फलसफा है, कुदरत ने नाम दिया। ये धरती, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये इनको अनस्टेबल किया, ये रात दिन में मूवमेंट करते रहते हैं, टूटते हैं मिलते हैं, टूटते हैं मिलते हैं। सिर्फ उनके स्ट्रगल ये है कि उनको वो अनस्टेबल है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन कम है। कोशिश यही है कि हमारे इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, हमारा शेड कंप्लीट हो जाए। अब दोस्तों मेरा हाथ भी जवाब दे दिया, गर्म है, ठीक है यार, क्योंकि मजदूरी नहीं की, मजदूरी की थी वो वाशिंग पाउडर में। अब गोसा देखो चेंज हो गया, इसके छिके देखो ये चेंज हो गया, पहले मैदा मैदा लग रहा था, अब चेंज हो गया। अब ये फटेंगे, कम से कम 4 घंटा ये प्रोसेस चलता है, फिर बताता है काम की बात। देखो इसलिए कहता हूँ शुरू से लेके आखिर तक इसको देखा करो। जो अगर हम हाथ से बनाएंगे फिर भी ये 4 घंटा आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे, शेल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन भागेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, जो नज़दीक होगा न्यूक्लियस जो बीच में है वो इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर में, वो सबको पकड़ेगी, शेल कंप्लीट करते जाएंगे, 4 घंटे लगते हैं इनको। मशीन से गुजारो फिर भी 4 घंटे का प्रोसेस है, पैसे नहीं है तो खुद आ रहा मशीनों में, मेरी तरह 2.5 करोड़ खर्च नहीं करना। हाथ से बनाओ वो भी 4 घंटे के बाद ही तैयार होगा, प्रोसेस पूरा करेगा ये अपना, हम 1 घंटे के अंदर अंदर तैयार करके जनाब रख देते हैं, पैकेट में बंद कर देते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर, फिर अंदर टूटते हैं जमा होते हैं, फिर बेहतरीन। ये मैंने गीला, यकीन करो ये मैंने गीला माल पैक किया था, अंदर जाके सूखा, ठीक है ये हो गया बेहतरीन बेहतरीन पाउडर की शिकल आ गई, बिल्कुल मैदा था, ठीक है बिल्कुल मैदा था। तो कहने का मकसद यार ये 4 घंटे का प्रोसेस है, हाथ से बनाओ पहले फिर आगे कारोबार करो, जब आपका कारोबार चमक उठे वाह वाह हो जाएगी। शर्त ये एक बेहतरीन रेसिपी,
बेहतरीन केमिकल हो, बेहतरीन पैदावार हो, तो बेहतरीन कारोबार आपका चमक उठेगा। औरत को हरा नहीं सकोगे, एक अरब औरत आपका इंतजार कर रही है। रोजाना आपका वॉशिंग पाउडर से अपने कपड़े साफ करती है, बेहतरीन वॉशिंग पाउडर उसको दोगे, वो आपकी खरीदार है। दुकानदार खरीदार नहीं है, औरत खरीदार है। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।